सूबन विच में नाणे वारी विर्छ वारो मामलो हल करण लाइ 1973 ईस्वी जे आईन तहत पहिरियों एवार 1974 ईस्वी में ॾिनो वियो, जंहिं तहत पंजाब खे 60.25, सिंध खे 22.5, सरहद खे 13.39 ऐं बलोचिस्तान खे 3.86 सैकड़ो हिसो मिलियो। जॾहिं त बलोचिस्तान ऐं सरहद में गुरबत जी सूरत हाल खे ॾिसंदे उन्हनि ॿिन्ही सूबनि खे 150 मिलियन ॾिना विया। ॿियो NFC एवार्ड जनरल ज़ियाउल हक़ जे दौर में 1979 ईस्वी में ॾिनो वियो। उन मालियाती एवार्ड वारी कमेटी जी सरबराही अॻूणे सदर ग़ुलाम इसा ख़ान कई, जंहिं तहत पंजाब खे 57.97, सिंध खे 23.34, सरहद खे 13.39 ऐं बलोचिस्तान खे 5.30 हिसो मिलियो। टे मालियाती एवार्ड लाइ जनरल ज़ियाउल हक़ जे दौर में 1985 ईस्वी दौरान उन वक़्त जे नाणे वारे वफ़ाक़ी वज़ीर डॉक्टर मुहिबुल हक़ जी सरबराही में कमेटी क़ाइमु कई वई, पर मुल्क में सियासी सूरतहाल ख़राब हुअण ऐं सूबनि विच में इतफ़ाक़ कोन थियण सबबि 1979 ईस्वी वारे एवार्ड खे बरक़रार रखियो वियो। चोथो मालियाती एवार्ड अप्रैल 1991 ईस्वी में नवाज़ शरीफ़ जी पहिरीं हुकूमत दौरान जारी थियो। हिन मालियाती एवार्ड में टैक्सिस ड्यूटी, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, एक्सपोर्ट ड्यूटी ऐं एक्साइज ड्यूटी खे बि शामिल कयो वियो, जंहिं तहत पंजाब खे 57.88, सिंध खे 23.28, सरहद खे 13.54 ऐं बलोचिस्तान खे 5.30 हिसो मिलियो। पंजो मालियाती एवार्ड निगरान वज़ीर आज़म मलिक मेराज खान जे दौर में फेबररी 1997 ईस्वी में ॾिनो वियो, जंहिंमें बि इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, कैपिटल वैल्यू टैक्स, सेल्स टैक्स, एक्सपोर्ट ऐं कस्टम ड्यूटी खे शामिल कयो वियो। हिन मालियाती एवार्ड तहत पंजाब खे 57.88, सिंध खे 23.28, सरहद खे 13.54 ऐं बलोचिस्तान खे 5.30 हिसो ॾिनो वियो। छह मालियाती एवार्ड लाइ जुलाई 2000 ईस्वी में अॻूणे सदर परवेज़ मुशरफ जे दौर में नाणे वारे वफ़ाक़ी वज़ीर ऐं अॻूणे वज़ीर आज़म शौकत अज़ीज़ जी सदारत हेठि कामेटी जोड़ी वई, पर सूबनि विच में इतफ़ाक़ न थियण सबबि 1997 ईस्वी वारे मालियाती एवार्ड खे बरक़रार रखियो वियो। जेतोणीकि उन मालियाती एवार्ड लाइ 11 इजलास सॾाया विया, पर सूबनि विच में इख़्तिलाफ़ ख़तमु न थी सघिया। सते मालियाती एवार्ड लाइ मौजूदा जमहूरी हुकूमत में सदर आसिफ अली ज़रदारी, नाणे वारे वफ़ाक़ी वज़ीर शौकत तरीन जी सरबराही में कमेटी जोड़ी, जंहिं गुज़िरियल 13 सालनि खां वफ़ाक़ ऐं सूबनि विच में हलंदड़ छिकताण जो ख़ात्मो आणे समूरनि अटकियल मामलनि खे उकलाए सतो मालियाती एवार्ड घणारुखी फार्मूले ते ॾियण जो ऐलान कयो आहे। नए मालियाती एवार्ड तहत सिंध खे 24.55, पंजाब खे 51.74, सरहद खे 14.6 ऐं बलोचिस्तान खे 9.9 सैकड़ो हिसो ॾिनो वियो आहे। अब जो मल्टीपल क्राइटेरिया हमने यूज किया है उसमें पॉपुलेशन, बैकवर्डनेस, पॉवर्टी, रेवेन्यू और इनवर्स पॉपुलेशन डेंसिटी, ये चार हैं। पॉपुलेशन 82%, पॉवर्टी बैकवर्डनेस 10.3%, रेवेन्यू कलेक्शन जनरेशन जो है उस वो 5% और इनवर्स पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो 2.7% उसको दिया जाएगा। इन सारों को जो कैलकुलेशन आप करेंगे तो इसका, और इसमें बलोचिस्तान का जो 83% हम 83 अरब रुपया है उसको प्रोटेक्ट करके, ये मल्टीपल इंडिकेटर्स जो है उसको अप्लाई करके, प्रोविंसेस की जो अब परसेंटेज बनेगी उसमें पंजाब 51.74%, सिंध 24.55%, पख्तूनख्वा फ्रंटियर प्रोविंस 14.62% और बलोचिस्तान 9.09%। मेरे नज़दीक ये एक ऐसा एमिकेबल सोल्यूशन था जिसमें किसी जो सबवेंशंस, ग्रांट्स वगैरह जो थी वो हमने सारी ख़त्म कर दी, और एक कंट्रोवर्सी थी कि सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज जो है ये सूबों का हक है और वफाक किसी न किसी मद में सर्विसेज पर टैक्स करते रहते, कभी एक्साइज ड्यूटी लगा देते थे, कभी कुछ लगा देते थे। तो इस दफ़ा हमने ये तय पाया है कि सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज प्रोविंशियल सब्जेक्ट है और ये वो ही अब अपना उसको कलेक्ट करेंगे जैसे उनकी मर्जी आएगी। फिर एक और हमारा इशू चल रहा है और वो है, और सब उसको रिकग्नाइज करते हैं, और वॉर एंड टेरर जो कि पख्तूनख्वा हमारे सूबा सरहद के अवाम को पेश है और वो फ्रंट लाइन स्टेट है ऑन टेरर। तो फेडरल गवर्नमेंट ने NFC के बीच में ये एक कमिटमेंट दी है कि जो भी एक्सपेंसेस वॉर एंड टेरर पे होंगे वो उनको पूरा करेगी। लेकिन हमारे सूबे ने भी कहा हम भी पीछे नहीं रहेंगे, तो सब सारे सूबों ने मिलकर ये कहा कि जो अनडिवाइडेड पूल है
डिविजिबल पूल है, उसका 1% जो है वो हम सुबह शरद को देंगे ताकि उससे वो वॉरेंट टेरर का खर्चा जो भी। इजलास के बाद मीडिया की ब्रीफिंग दींदे सिंध वडे वजीर सैयद कायम अली शाह सते मालियाती एवॉर्ड के तारीखी करार दिनों। सिंध में काफ़ी है तो सारे चारों सूबों में थी कि जी हमें सही इंसाफ नहीं किया गया, जो मुशरफ ने फैसला किया, जब इससे पहले लगारी साहब जो इंटरम गवर्नमेंट थी, केयरटेकर थी, उनको करने का हक ही नहीं था, तो उन्होंने भी ये एक अवार्ड दे मारा था। और सूबों से मशवरा रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट से नहीं हुआ था, तो ये पहली थी गवर्नमेंट से जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स हैं वोट के जरिए आई हैं, आवाम के अल्लाह के मेहरबानी से और आवाम के सपोर्ट से आई हैं, तो उनको आवाम का ही ख्याल रखना था और इसीलिए ये फैसला हो सका। नहीं तो शुक्रगुजार हैं कि ये अमल जो है बहुत तारीखी है और जो सब ने मिलके और मोहब्बत के साथ फराग दिल के साथ फैसले किए हैं, अल्लाह करेगा ये पायदार होगा, अभी ये इब्तदा है। बलोचिस्तान के वडे वजीर नवाब असलम रहसानी सरहद के वडे वजीर अमीर हैदर होती भी संदन सूबे लाए खास ग्रांट जारी करण बेन सूबन पारा खेन पेंजे हिस्से में देण ते संदन थोरा मन्या। फेडरल मिनिस्टर फॉर फाइनेंस शौकत खलील साहब का मैं बहुत मशहूर हूँ और खसूस मियाँ शहबाज शरीफ का मैं, बल्कि हम सब उनके इतने मशहूर हैं कि उन्होंने बहुत ज्यादा वसी नजरी और फिराकदरी का मुजाहरा किया और बल्कि बलूचिस्तान के साथ जितना उन्होंने फिराकदरी का उन्होंने मुजाहरा किया और दूसरे सूबे में किया, मैं उनका तहे दिल से I thank him for what he did for us. And he not only did this for Balochistan, but he did it to strengthen this state of Pakistan. इस वक्त जिस सूबे से मेरा ताल्लुक है वो फ्रंट लाइन प्रोविंस है, ना सिर्फ ये कि फेडरल गवर्नमेंट बल्कि बाकी तमाम 3 सूबे ये उनके एहसासात और जज्बात हैं, एक जज्बा है कि वो ये कहते हैं कि नहीं ये मसला सिर्फ आपका मसला नहीं है, ये हम सब का मसला है और हम आपके साथ इसमें शरीक और शामिल हैं और वो सब कंट्रीब्यूट करते हैं 1%। सतो मालियाती एवॉर्ड घना रोखी फार्मूले तहत हल थियण खां पोए सूबन ऐं वफाकतोड़े सूबन विच में पैदा थियल डेडलॉक जो खात्मो अची वियो आहे। लतीफ गाद, सिन टीवी न्यूज़, कराची।